तो हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी 2022 आने वाला है, उसमें कई सारे यूट्यूबर यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं और यूट्यूब पे करियर बनाने का सोच रहे हैं। बट उनका एक ही क्वेश्चन होगा, जब वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट करेंगे, बट उनके यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे, तो इसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि न्यू यूट्यूबर आएंगे तो उसके थ्रू काफ़ी सारे ऐसा कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ नहीं आएंगे। हालांकि न्यू यूट्यूबर होते हैं, उनकी यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ तो आना काफ़ी टाइम होता है, बट कई भी सारे यूट्यूबर जो होते हैं उनकी यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ तरीके बताऊंगा। हालांकि मैं लाखों व्यूज़ लाने के तरीके तो नहीं, बट आप अपनी यूट्यूब चैनल से 50 से 100 व्यू या 150 व्यू या 500 तक व्यूज़ आसानी से ला सकते हैं। किस तरह से ला सकते हैं तरीके बताने वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर उन्होंने यूट्यूब चैनल पे नई चैनल स्टार्ट की है। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यूट्यूब पे एक बंदा आया था, उनकी यूट्यूब चैनल का नाम है एलग्रो। उनकी यूट्यूब चैनल उन्होंने स्टार्ट की थी आई थिंक 2021 के स्टार्टिंग में, जनवरी में उनकी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी। उनको एक मंथ से मैं उनकी सॉरी दोस्तों उनको 1 ईयर से उनकी वीडियो देख रहा हूँ मैं, और उनकी यूट्यूब चैनल पे आई थिंक अभी 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 3 लाख तक वो पहुँचने वाले हैं विदाउट फेस कैम वीडियो। उनकी यूट्यूब चैनल पे अभी तक आपको एक भी फेस कैम वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर अभी बात करते हैं मनोज दे के बारे में, तो उनकी यूट्यूब चैनल पे आई थिंक 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और उनकी हर वीडियो पे 100K+ व्यूज आते हैं। जहाँ पर डिफरेंट तरीके से बात करें, एलग्रो की यूट्यूब चैनल पे भी 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, बट उनकी यूट्यूब चैनल पे भी 100K+ व्यूज आते हैं। अभी इसमें डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1 है एडिटिंग। एडिटिंग हमारी यूट्यूब चैनल पे ऐसी होनी चाहिए लोगों को पसंद आए, लोगों को देखना पसंद आए। जैसे कि बैकग्राउंड में कोई भी म्यूजिक चल रहा है तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए, उसकी वजह से लोग हमारी वीडियो पर बने रहते हैं, और हमारा जो बोलने का तरीका होता है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो ऑडियंस होती है उनको जो आप बोल रहे हैं वो समझ आना चाहिए। जब समझ नहीं आता है तो वो आपका वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, आपको ऐसा वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको अच्छी तरीके से कैमरे के सामने बोलना सीख लेना है, और जब तक आपकी स्किल अच्छी नहीं हो जाती तब तक आप अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहिए, और हर वीडियो पे आपको इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी मोबाइल से वीडियोस बना रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं आ रहा है, किसी और बैकग्राउंड में वीडियो बनाए, जहाँ पर आप वीडियो बना रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे नॉइज़ आ रहा है, तो आप एक ही शांत जगह पर चले जाए तो उससे क्या होगा कि हमारी ऑडियंस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, और ऑडियंस को वीडियो देखना पसंद आता है तभी आपकी यूट्यूब पे चैनल पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको एडिटिंग काफ़ी अच्छी रखनी है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जब आप अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपके यूट्यूब चैनल पे 1 व्यू आएगा, 2 व्यू आएगा, तो कई वीडियो पे 0 व्यूज़ भी आएंगे, तो आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है। आपने न्यू चैनल स्टार्ट किया, आपके पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आपको हार नहीं मानना है, आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे 2 से 3 मंथ तक लगातार वीडियोज़ अपलोड करने हैं, उसके बाद ही आपको वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालाँकि काफ़ी सारे यूट्यूबर जो होते हैं उनको इंस्टेंट ग्रोथ मिल जाती है, बट इंस्टेंट ग्रोथ जो मिलती है उसमें काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर भी आते हैं जो कि डेड हो जाते हैं, हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, और काफ़ी सारे ऐसे व्यूज़ होते हैं जो हमें देखना पसंद नहीं करते बट ज़बरदस्ती वो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे व्यूज़ नहीं आ पाते। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पेशेंस रखना है, लगातार वीडियोज़ अपलोड करने हैं और इम्प्रूवमेंट लाना स्टार्ट कर देना है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हर यूट्यूबर चाहता है कि मेरी यूट्यूब चैनल पे लाखों व्यूज़ आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी अभी नई चैनल स्टार्ट किए, आपकी यूट्यूब चैनल पे कोई भी ऐसी ऑडियंस नहीं है जो कि आपको देखना पसंद करती है। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, 3 से 4 साल तक उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल के उनकी यूट्यूब चैनल को ग्रो किया है। जैसे कि मेरी बात ही मान लीजिए, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल 3 जो आगे मैंने वीडियो बनाई थी वो सारी चैनल मेरी टर्मिनेट हो चुकी है, उसके बाद 4th चैनल बनाई थी और एक 5th चैनल है जो कि मुझे यहाँ पर सक्सेस मिला। और ऐसा नहीं है मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया
तो उस वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा, तो मेरे व्यूज डाउन हो चुके। तो अभी तक भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे वर्क करता रहता हूँ और अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आए ऐसी कोशिश करता रहता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपको बिल्कुल हार नहीं माननी है, आप लगातार वीडियोस अपलोड करिए, आपकी यूट्यूब चैनल पे व्यूज भी आएंगे। अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। जब नई यूट्यूब चैनल स्टार्ट होती है 2021 में काफ़ी सारे न्यू यूट्यूबर आएंगे तो यूट्यूब पर क्या सर्च करेंगे? फर्स्ट चीज़ कि हम हमारी YouTube चैनल किस तरह से बनाएं, आओ मेक टू YouTube चैनल क्रिएट, ये पॉइंट नंबर वन था। दूसरा पॉइंट, हम हमारी YouTube चैनल पे जो कस्टमाइज थंबनेल होता है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, हम हमारे YouTube चैनल पे टाइटल किस तरह से डालें, डिस्क्रिप्शन किस तरह से डालें, टैग किस तरह से डालें, वीडियो को YouTube पे सही तरीके से अपलोड किस तरह से करें, ऐसे सारे वीडियोज होते हैं वो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा चलते हैं। यानी कि 2021 में न्यू यूट्यूबर आएंगे तो उनको मालूम नहीं होगा कि हम हमारे YouTube चैनल पे वीडियोज किस तरह से अपलोड करें, किस तरह से थंबनेल बनाए, किस तरह से थंबनेल लगाए, किस तरह से टाइटल डाले, किस तरह से डिस्क्रिप्शन डाले। तो ऐसे सारे वीडियोस आपको अपने यूट्यूब चैनल पे क्रिएट करके रखने हैं, एक मन के अंदर आपको वो सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने हैं। और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बैकअप प्लान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि 2022 में अगर वीडियोज आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं तो आपको वन मंथ तक आपके पास ऐसा सोर्स होना चाहिए, आपके पास 30 वीडियो नहीं बट 2 दिन के बाद अगर आप वीडियोस अपलोड करने वाले तो 50 वीडियो आई थिंक आपके पास बनाए हुए पड़े होने चाहिए, तभी जाके आप अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड कर पाएंगे, अपने YouTube चैनल को ग्रो कर पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पे जैसा कि मैंने तरीका बताया उसी तरह से वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी सारे व्यूज तो नहीं बट 100 से ज़्यादा व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी जो पांचवा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं, अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड कर देते हैं वो तो WhatsApp पे आप अपनी लिंक को शेयर कर देते हैं, ऐसे लोगों को शेयर करते हैं जो कि आपको जानते हैं और वो क्यों आपकी वीडियो को देखेंगे, उनको काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर है उनकी वीडियो देखना पसंद करते हैं। बट आप अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अगर आपका दोस्त कोई मिलता है तो आपको उनको बताना भी नहीं, उनका मोबाइल लेके आपको अपना वीडियो का जो टाइटल होता है उसे सर्च करना है और पूरी वीडियो देख के उनको मोबाइल वापस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका वीडियो ऊपर आ जाएगा और इससे आपकी रीच बढ़ेगी, यूट्यूब को कहीं ना कहीं लगेगा कि न्यू यूट्यूबर है, उनकी यूट्यूब चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे बट उनका वीडियो को लोग सर्च करके देख रहे। तो इसी तरह से भी आप अपना वीडियो जो होता है वो आगे तक ले जा सकते हैं, इंप्रेशन ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, सो इसी सिचुएशन में आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने YouTube चैनल को इस तरह से ये सारे पांच तरीके बताए उससे ग्रो कर सकते हैं, व्यूज ला सकते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है। तो नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।